हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने बोला था कि छठ पूजा का सेकंड वाला पार्ट मैं शेयर करूंगी दो दिनों के बाद, मतलब कि कल बोला था, तो कल मतलब कि आज दो दिन बाद। तो वेलकम है आपका छठ पूजा के सेकंड वाले पार्ट में। और यहाँ पे रात में जो कोसी वाला कार्यक्रम होता है उसके लिए भाई लोग नए नए कपड़े पहन रहे थे, जो कि छोटे भाई ने पहना पीला कलर का कुर्ता, बड़े भाई ने सिलवाया था ढीला ढाला कुर्ता जो कि बाबा को दे दिया। और उसके बाद आ गए हम लोगों ने फले सारा सजा दिया था, उसके बाद हम लोग आ गए ओसारे में। और यहाँ पे जो ना है दो मटकियाँ, इसको बोलते हैं कुड़ेसर, जिसमें दिया ज्वाइंट रहता है और कलरफुल रहता है। इसको कोसी के लिए बस यूज होता है, उसके बाद इसमें चावल भर के हम लोग रख देते हैं साल भर के लिए। चावल खराब हो या अच्छा हो, लेकिन चावल इसमें भर के ही रखते हैं, ये मान्यता है। खाली कोसी नहीं रखते हैं, जैसे कि फल रात में भर के रखते हैं ना, वैसे ही चावल बाद में भर के रख देते हैं। तो यहाँ पे इसमें ना भाई लोग करके एक एक मुट्ठी मतलब हाथ से, और सारा फल फ्रूट जितना भी है पहले चूड़ा डालेंगे, उसके बाद जो हमने चावल के आटे वाला कसार बनाया था ना कल के ब्लॉग में वो डालेंगे, एंड उसके बाद से सारे फ्रूट में से डालेंगे। और यहाँ पे सब लोग गाँव में जितने भी आंटी लोग हैं ना अगल बगल की, उनको दादी ने इन्वाइट किया था गाना गाने के लिए। और यहाँ पे सबके वहाँ गाँव में ना मैक्सिमम जब भी हम लोग छठ में जाते हैं दूसरे वाले गांव, तो वहां पे किसी न किसी का कोसी जरूर ही भराया रहता है। तो सब लोग इधर उधर गए थे, तब तक हुआ कि चलो ये वाला जो कार्यक्रम है ना उसको ख़त्म कर लेते हैं, जो कि ये कोसी में सब कुछ डालने वाला है। तो यहाँ जैसे जैसे मम्मी बता रही थी वैसे वैसे भाई डाल रहा था, क्योंकि जनेऊ के बाद इन लोग का पहला कोसी है, कभी इन लोगों ने कोसी नहीं भरा है, तो इनको पता नहीं है कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है। यहाँ पर सब फल फ्रूट डाल के और इस पर जो ढक्कन दिया था उसको उल्टा करके इस पर रख दिया था, एंड इसके बाद से दीपक जो चारों ओर लगा है ना ज्वाइंट है, उसमें बत्ती और तेल डाल के हम लोग जलाने लग गए थे। जब ये जल जाएगा ना तो इसका जो व्यू है बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे मैं और मम्मी बैठी हुई थी, हम भी उस साइड से जला रहे थे, क्योंकि जल्दी जल्दी सब लोग जला देते फिर हम लोग का गीत स्टार्ट होता। मतलब शाम से ही हम लोगों ने रात के 12-1 बजे तक खूब सारे गीत गाए। मम्मी, हम और दोनों मम्मी मेरी, दादी और हम लोग, सिस्टर तो खैर बहुत टाइम के बाद सो गई थी, लेकिन हम लोग जगे थे। यहाँ पे दादी योदी सब लोग गीत गा रहे हैं, और मैं और भाई और बहन मिल के सब लोग दिया जला रहे थे। तो यहाँ पे ये सब हुआ है। देन इसके बाद से जो आंटी लोग हैं ना वो लोग भी आ गई थी, तो लोग भी गाना गाने में लग गई थी। जो लोग भी आई थी ना, सब लोग देते हैं यहाँ पे पैसा भाई लोग को, जिनका भी कोसी भरा था ना उनको पैसा देना होता है कि नहीं, लेकिन लोग देते हैं। तो ना यहाँ पे भाई लोग को मिले पैसे कुछ, और यहाँ मतलब टोटल पैसे मिले थे 950 कि 1000। तो दोनों भाइयों ने 500-500 अपना बांट लिया, इन लोग की कमाई हो गई छठ पूजे में। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सब लोग हाथ जोड़ के बैठे थे, और जो आंटी लोग आई थी सब लोग गाना गा रही हैं अगल बगल की, और सब लोग बोल रहे थे ना कि आप लोग यहाँ रहते तो कितना अच्छा रहता, आप लोग दूसरे वाले गाँव रहते हो यहाँ पर सूना लगता है, तो आप लोग भी रहा करो। बट मजबूरी हमारी, हम उस वाले गाँव नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ आते जाते रहते हैं, वहाँ रहने पे ना बहुत सारी सुविधाएं हमको जो है नहीं मिल पाती हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और फटाफट से पूजा हो रही है, ये पूजा मतलब ना कि जब फल फ्रूट रख देते हैं और 5 गाने हो जाते हैं तो ये पूजा ख़त्म हो जाती है। फिर ये दीपक को कंटिन्यू रात भर जगे जलते रहना है, इसको देखने के लिए ना सब लोग गीत वीत गाते हैं, बैठे रहते हैं, क्योंकि अगर बंद कर देंगे ना तो फिर अगर सो जाएंगे और दीपक बुझ गया तो फिर अच्छा नहीं होता है, मतलब शुभ माना जाता है दीपक का जलना रात भर। तो यहाँ पे तेल डाला था इसमें भर भर के, ताकि ये कुछ देर जलता रहे। फिर जब सब लोग चले गए तो हम लोग बैठ के बस गीत भजन कीर्तन किए, और मम्मी अकेली सोई थी वहाँ पर, तो देखती रहीं कि हाँ ये बुझे ना। फिर ये रात में सारा कार्यक्रम हुआ, फिर सुबह हम लोग तैयार हुए। मैं तो सो ही नहीं पाई थी, 1.5 घंटे मात्र सोई थी, क्योंकि सुबह उठ के मुझे खाना भी बनाना था, मम्मी पापा को निकलना था गोरखपुर, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा ही प्रेशर था। तो मैं फटाफट से गई, भजन कीर्तन ये हुआ, अभी दिखाती हूँ आपको, सासू मम्मी मैं और भी मम्मी जो हैं दादी वादी सब मिल के हम लोगों ने गाना गाया। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे, अभी मैंने कट किए हैं, फिर भी वीडियो 8 मिनट की हो गई है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा जो कि मेरा फेसबुक पेज है प्रिया द्विवेदी 9919,
इंस्टाग्राम आईडी है, प्रिया द्विवेदी फेसबुक पेज है, तो इन सबको फॉलो करिएगा, बहुत अच्छे अच्छे रील्स आपको मिलेंगे। और अभी मैं इंस्टाग्राम पे कम एक्टिव हूँ, जल्दी ही बहुत अच्छे वीडियोस लेके आने वाली हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रही थी। यहाँ पे देखिए सब आंटी लोग आ गई, फिर ये आंटी लोग को ना चूड़ा देना रहता है, चूड़ा और जो चावल वाले लड्डू होते हैं वो, और उसके बाद से सिंदूर लगाना रहता है, तेल लगाना रहता है सर पे। तो सब ये सिस्टर ने कर दिया तेल और सिंदूर, जो आंटी को ले गई थी यहाँ से पिछले व्लॉग में बताया था उस आंटी ने कर दिया। फिर दादी ने इनको चूड़ा का सार लड्डू दे दिया था सबको। फिर ये लोग आंटी लोग चली गए, चली जाएंगी, क्योंकि गांव में ना बहुत लोग के वहाँ हो रहा था पूजा, तो वहाँ पे जाना था सबको, तो वो लोग चली गई। और हम लोग फिर से आ गए किचन में। किचन में क्यों आए, क्योंकि रात का खाना भी तो बनाना था। तो यहाँ पे ना पहले मैं बना रही हूँ हलवा, एक सुबह के लिए होता है ना कि कुछ बनाए, तो हलवा बना रही हूँ। एक तरफ गोभी फ्राई कर रही हूँ क्योंकि गोभी की सब्ज़ी बनानी है, हलवा बना रही थी। हलवा सब लोग खा लेंगे, जो लोग भी व्रत नहीं है तो उन लोगों को दिए हलवा हमने। और फिर इसके बाद से रात का जो ये पूजा था ना, वो पूजा होने लगा। रात का पूजा का मतलब कि जो भजन कीर्तन हम लोग दिया देखने के लिए बैठ के करते हैं, वो करने लगे। यहाँ पे मम्मी हैं, फिर ये मम्मी हैं, दोनों मम्मी लोग बैठी हैं, तो ये सब हम लोग पूजा करेंगे। चलो मम्मी आओ, तेरी दादी चारी चौखंडा के पोखरावा काचही बस के बाहंगिया बाहंगी लचकत जाए। पेनी ना छोटू बाबू पियरिया दौरा घाटे पहुँचाए। पेनी ना पवन बाबू पियरिया बाहंगी घाटे पहुँचाए। यहाँ पे सुबह का अर्घ देने के लिए भाई और हम सब लोग आ गए थे घाट पे। भाई ने पहना था नया कुर्ता पजामा, और सुबह घाट का नज़ारा देखना ही बनता है, क्योंकि सारे गांव के लोग एकत्रित हो जाते हैं, क्योंकि जिन लोग के वहाँ ना गाय भैंस है वो लोग सबको चारा डाल के, गाय भैंस सबको चारा डाल के और फटाफट से आते हैं घाट पर पूजा करने, क्योंकि शाम में बहुत लोग काम के चलते ना गाँव में अक्सर नहीं आ पाते हैं घाट पर, मैंने देखा है। तो यहाँ पर सिस्टर भी रेडी हो गई थी, मम्मी दोनों मम्मी और दादी, और बाकी हम लोग जो आंटी को ले गए थे यहाँ से, वो सब लोग तैयार होके आ गए थे घाट पे पूजा करने के लिए, और बड़ा ही मज़ा आया। सुबह का भी अर्घ मैंने ही दिया जैसा कि शाम वाला अर्घ दिया था, और यहाँ पे मैं जा रही हूँ घाट पे, और थोड़े से मैंने बाल अपने कटवा रखे क्योंकि मेरे बाल बहुत पूंछ हो गए थे, तो मैंने थोड़ा सा बाल ट्रिम करा लिया। यहाँ पे दीपक जलाया, अगरबत्ती दिखाया, और इसके बाद से मैं फिर से आ गई पूजा वाले स्थान पर, क्योंकि अभी से मुझे पानी में नहीं जाना था। मम्मी ने बोला कि कुछ देर पहले ही चलेंगे जब अर्घ दिलाना होगा, क्योंकि मम्मी का तबीयत ख़राब था। मम्मी बोली थी अगर मैं खड़ी रही ना तो मैं चक्कर आ जाएगा, गिर जाऊँगी, तो कुछ ही टाइम रहेगा तो हम लोग चलेंगे अर्घ लाने के लिए। तो यहाँ पे अर्घ वर्घ दिला गया, उसके बाद से सारा ये जो ये फल फ्रूट है ना बाबा को मिलता है वो सब मिला। घर पे आया, खाना वाना बनाया खाया, और उसके बाद निकल गए हम लोग अपने दूसरे वाले गांव के लिए। यहाँ दूसरे वाले गांव के लिए निकलने पे गांव का रास्ता है, गांव आए, फिर मम्मी के लिए दवाइयाँ मंगाई, जो ये भी इंजेक्शन लगने वाला है ये सब मंगाया, और फिर अपना डेली रूटीन चालू हो गया। यहाँ पर 14 इंजेक्शन आए थे, अभी 14 दिन और लगेगा, और मम्मी को 20 दिन इंजेक्शन लग गया है। तो मिलते हैं कल ब्लॉग में, बाय, लव यू सो मच।